अदरवाइज वेलकम बैक टू माय चैनल भाई। आलमोस्ट सुबह उठा फिर मैंने यूट्यूब स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि हर जगह सिर्फ आरसी 24 की लीड न्यूज थी। तो फिर मैंने देखा भाई क्या है, क्या चक्कर है, क्या नहीं। फिर मैंने एक की वीडियो देखी, फिर वो बात समझ में आई। तो भाई बात दरअसल ये थी कि भाई जो प्लेन द क्रिकेट नाम की वेबसाइट है ना, उस पर किसी ने आरसी 24 की लीक्स फोटो डाल दी, और वो भी दो फोटो डाली है। एक तो भाई अपने पोस्टर की फोटो, तो पोस्टर के अंदर एक बैट्समैन आपको दिख रहा होगा जिसके ऊपर हेलमेट पर लिखा हुआ नोटलेस। तो नोटलेस मतलब आरसी 22 का ही थोड़ा, जैसे आरसी 22 मॉडल डिजाइन करती है ना, वैसे ही थोड़ा मॉडल था पूरा। और पोस्टर भी एकदम वैसा जैसे डिजाइन करती है, वैसे सेम टू सेम वैसा एकदम पोस्टर था। तो मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो नोटलेस वालों ने बनाया, कि रियल क्रिकेट 22 वालों ने बनाया कि आरसी 24 का वो है। लेकिन उसमें सिर्फ आरसी 24 लिखा था, रियल क्रिकेट 24 नहीं लिखा था। तो इसको ऑफिशियल कह भी नहीं सकते। लेकिन जो डिजाइनिंग थी, जो जितने वर्क करा हुआ था, पूरा एकदम नोटलेस मोबाइल वैसे लग रहा था जैसे पहले जितने भी गेम्स आए, सारा एकदम सेम टू सेम वैसा वर्क लग रहा था। भाई मेरे हिसाब से कोई एडिटर भी कर ही सकता है भाई ऐसे एडिटिंग। और जहाँ तक देखा जाए जो प्लेयर है ना, उसके अंदर जितने भी पर्थ प्रेडेटर, भाई पर्थ कोचर नाम है टीम का, लेकिन पर्थ प्रेडेटर लिखा हुआ था। मतलब वो नोटलेस मोबाइल जो रियल क्रिकेट है ना, उसके अंदर नाम यही है पर्थ वाली टीम का जो बिग बैश लीग में आती है। तो इससे कहीं ना कहीं कह सकते कि आरसी 24 का ऑफिशियल कुछ ना कुछ पोस्टर हो सकता है। और भाई साथ साथ में जो सेकेंड फोटो है ना, वो अपनी उस लोडिंग स्क्रीन की फोटो थी। तो भाई उससे पता चलता है कि जो ग्राउंड की डिटेलिंग है ना, वो काफी बढ़िया है। और जितने मॉडल्स हैं ना डिजाइन करे गए हैं, उसके अंदर उन्होंने नोटलेस वालों ने नए इंजन पे काम किए। भाई नए इंजन मतलब जैसे कि जो अपना ड्रीम क्रिकेट 24 अनरियल इंजन में बना है, तो ऐसे उन्होंने कोई नए इंजन पे काम किया है। तो भाई कहीं ना कहीं ये गेम बढ़िया हो सकता है। और साथ साथ में इसके न्यू UI भी पे भी काम किया भाई नोटलेस वालों ने। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। जितने भी अभी रियल क्रिकेट 24 के यूजर इंटरफेस थे काफी बेकार थे, अच्छी नहीं थे। लेकिन नए वाले UI पे काम करे तो गेम काफी अच्छा बनेगा। और भाई हम ज्यादा सोच रहे थे कि क्रिकेट 24 जो रियल क्रिकेट 24 है वो नया गेम नहीं बनेगा, पुराने रियल क्रिकेट 22 के अंदर अपडेट लेके आएंगे। तो भाई लेकिन अब इससे पता चला कि रियल क्रिकेट 24 शायद नया गेम आ सकता है, पूरे नए इंजन पे काम कर रहे, नई UI पे काम कर रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसा हम सोच सकते हैं कि ये पूरा गेम नया आने वाला है। और भाई इसकी रिलीज डेट के बारे में भी कुछ पता लगा नहीं सकते कि पोस्टर और ये सब, एक नई दो लीक फोटो निकल गई तो उससे हम पता तो लगा नहीं सकते कि रिलीज डेट कब की हो सकती है। तो अभी इसका कुछ पता नहीं रिलीज डेट के बारे में। लेकिन भाई ये गेम अभी तक तो अच्छा लग रहा है, मतलब जितना देखने को है। लेकिन ऑफिशियली अभी ये नोटलेस से कंफर्मेशन अभी तक बिल्कुल मिली नहीं कि ऑफिशियल नहीं है, और किसी ने एडिट कर दी हो शायद। जैसे मेरे आपने थंबनेल देखी होगी कि उसमें काफ़ी एकदम सिमिलरिटी लगती है, लेकिन वो ऑफिशियल होता नहीं है, वो मैं से वैसे ही बनाता हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं इसके अंदर इतना ट्रूथ है नहीं। तो अभी तक कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना कि नेक्स्ट वीडियो कौन से पार्ट भी चाहिए।